एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा फॉर फिजिक्स। मेरा नाम है कपिल गोयल और आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स बीएससी थर्ड ईयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वॉन डी ग्राफ जनरेटर। वॉन डी ग्राफ जनरेटर या जिसे हम टैंडेंट एक्सेलरेटर भी कहते हैं, ये एक टाइप का एक्सेलरेटर होता है या जिसे कह लें कि पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है। पार्टिकल को त्वरित करने वाला डिवाइस होता है। त्वरित करने वाले बहुत सारे डिवाइस जो आपके कोर्स में है, उसमें से एक ये है वॉन डी ग्राफ जनरेटर। इसके पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं लीनियर एक्सेलरेटर यानी कि रेखीय त्वरित का। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ उसे फॉलो कर वो लेक्चर आप देख सकते हैं। तो वॉन डी ग्राफ जनरेटर, सबसे पहले तो समझे कि ये है क्या। तो इसका जो यूज़ किया जाता है, बहुत हाई पोटेंशियल मतलब यदि 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का भी हमें अगर पोटेंशियल चाहिए तो वो हम इससे डेवलप कर सकते हैं। किसी पार्टिकल का इतना ज़्यादा हमें उसको पोटेंशियल पर ले जाना है तो इसकी हेल्प से हम ले जा सकते हैं। क्योंकि इसका जो इन्वेंशन, खोज इसकी जो की थी, वो की थी रॉबर्ट जेनिसन वॉन डी ग्राफ ने, इसलिए इसका नाम पड़ा वॉन डी ग्राफ जनरेटर। ठीक है, प्रिंसिपल इसका पढ़े, उसके पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि इसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये एक जो येलो कलर में मैंने दिखाई है यहाँ पर, ये जो है ये क्या है, एक बेल्ट है। ठीक है, क्या है, बेल्ट है। ये बेल्ट का एक जो एंड है वो जुड़ा हुआ है एक स्पेयर से, ये वाला जो है ये स्पेयर है, और एक एंड जुड़ा है किससे, एक पुली से। पुली जो है उसको एक मोटर से कनेक्ट किया गया है, और मोटर से कनेक्ट किया गया है तो ये पुली क्या कर रही है, घूम रही है। पुली घूम रही है तो इसके ऊपर क्या चलेगी, बेल्ट चलेगी, और बेल्ट कहाँ से घूम कर वापस आएगी, स्पेयर से घूम कर वापस आ जाएगी। तो बेल्ट एक तरह से किसका काम कर रही है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है। ट्रांसपोर्ट कर रही है यानी कि कुछ ले जा रही होगी और कुछ ला रही होगी, जैसे कि इसकी डायरेक्शन को दिखाया गया है। यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये जो लगाई हुई है जिसके साथ ये आगे दांत निकले हुए हैं जिसके, इसको हम नाम देते हैं मैकेनिकल ब्रश। ये यहाँ पर है मैकेनिकल ब्रश, इसी तरह से यहाँ पर लगाया हुआ है मैकेनिकल ब्रश को। अब हो क्या रहा है कि यहाँ से जो मैकेनिकल ब्रश है ये कनेक्टेड है एक बैटरी से। किसके साथ, बैटरी के साथ। तो बैटरी से के साथ जो कनेक्टेड है तो यहाँ से क्या आएगा, चार्ज आएगा, यहाँ से चार्ज चलेगा। तो यहाँ से चार्ज जाएगा, चार्ज मैकेनिकल ब्रश के थ्रू किस पर चला जाएगा, बेल्ट पर चला जाएगा। तो बेल्ट आगे की तरफ ट्रांसफर हो रही है, बेल्ट ये जो चार्ज है किसको ट्रांसफर करेगी, इस स्पेयर को, जिसको हम इनर स्पेयर नाम दे रहे हैं। और यहाँ से ये चार्ज इस तरह से घूमता रहेगा। अब यहाँ से इनर स्पेयर को हमने कनेक्ट किया हुआ है एक मैकेनिकल ब्रश के साथ, एक आउटर स्पेयर के साथ, बाह्य खोखले चालक के साथ। तो ये जो स्पेयर है, इससे जो चार्ज का ट्रांसफर है वो किस पर होता रहेगा, इस बाहर वाले चार्ज स्पेयर के ऊपर होता रहेगा, और इस तरह से इसका पोटेंशियल बढ़ता रहेगा। पर ये क्या हमेशा होता रहेगा, ये पोटेंशियल हमेशा क्या बढ़ता रहेगा भाई, एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। चार्ज का ट्रांसफर जब तक होगा जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, और पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा तो चार्ज का ट्रांसफर क्या, रुक जाएगा। पर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये चार्ज हमेशा क्या होता रहेगा, ट्रांसफर होता रहेगा और पोटेंशियल बढ़ता रहेगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है, उस चीज़ को हम इसको समझते हैं। वो तो उसके लिए इसको आप प्रिंसिपल भी समझ कह सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्रिंसिपल। तो ये इसका काम क्या है, किस प्रिंसिपल पर ये काम कर रहा है। तो प्रिंसिपल क्या है, जब किसी होलो स्फेरिकल कंडक्टर को के अंदर को किसी चार्ज कंडक्टर से इसको कॉन्टैक्ट में लाया जाए, तो ये छोटा स्फेयर हो गया, चार्ज कंडक्टर हो गया, और ये होलो स्फेरिकल कंडक्टर हो गया। इन दोनों को जब हम कॉन्टैक्ट में ला रहे हैं तो इसका चार्ज ट्रांसफर होकर कहाँ पर चला गया, इस पर चला गया। इसका चार्ज चाहे कितना ही हो, ये इसका प्रिंसिपल है। अब जैसा कि मैंने कहा कि क्या ये ट्रांसफर हमेशा होता रहेगा, क्योंकि ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और एक ऐसी पोजीशन भी होनी चाहिए कि वहाँ पर पोटेंशियल सेम हो जाए। पर यहाँ पर तो लगातार क्या हो रहा है, पोटेंशियल का चार्ज का ट्रांसफर होता जा रहा है, यानी कि इसका पोटेंशियल हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक स्पेयर लिया, और ये स्पेयर है चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर। कौन सा स्पेयर है, चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर। ठीक है, तो चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर के लिए हमें पोटेंशियल की वैल्यू पता होती है। पोटेंशियल की वैल्यू कैसे पता होती है, मान लो यहाँ कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दूं मैं P, और ये P पॉइंट यहाँ से R प्राइम डिस्टेंस पर है, और इस जो चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर का जो चार्ज है वो है प्लस Q। कितना चार्ज है, प्लस Q। तो हमें ये पता है कि जो P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, के क्यू अपॉन आर प्राइम। ठीक है, वो कितना होगा, के क्यू अपॉन आर प्राइम। आर प्राइम कहाँ से, इसके सेंटर से और इस पी पॉइंट तक की डिस्टेंस है।
अब यदि मैं ये कहूँ कि ये जो पॉइंट है कोई, वो यहाँ पर है, इसकी सरफेस के ऊपर है, सरफेस के ऊपर है, मान लेते हैं वो पॉइंट है कोई ए पॉइंट है, तो और यहाँ से जो इसकी रेडियस है वो आर है, तो अगर मैं कहूँ कि इस ए पॉइंट पर यानी कि इसके सरफेस पर जो चार्ज है वो कितना होगा, तो सरफेस पर जो चार्ज है वो कितना होगा, वो होगा के क्यू अपॉन आर। ठीक है, बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं ये, हमारे बहुत जो 12th क्लास का बेसिक्स होता है या जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम चीज़ें सब चीज़ें पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ। इसी तरह से यदि मैं कहूँ कि इस स्पेयर के अंदर कोई अंदर एक पॉइंट है, उस पॉइंट को नाम दूँ मैं बी, और यहाँ से ये इस डिस्टेंस पर है, किस डिस्टेंस पर है, आर पर, तो इस बी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, है ना, तो इस बी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा ये कैसे पता लगाए। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर लिखा है, क्या लिखा है, चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर। तो जब मैंने चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर लिखा है तो हमें ये पता है कि चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर में उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ठीक है, वी नो दैट इन अ चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल, उनमें क्या रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में अगर मैं रिलेशन निकालूं तो वी इक्वल्स टू होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। तो यहाँ से जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, है ना। तो अंदर जो पोटेंशियल है, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो अंदर का जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट होने का मतलब अंदर का पोटेंशियल वही होगा जो कहाँ पर है, सरफेस के ऊपर है। अंदर का पोटेंशियल वही होगा जो पोटेंशियल किस पर है, सरफेस पर है। कहने का मतलब बी के ऊपर अगर जो पोटेंशियल आएगा वो वही होगा जो किसके ऊपर है, सरफेस के ऊपर, और सरफेस के ऊपर कितना है, के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर आएगा। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर आएगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल का यूज़ करके अब हम किसको समझते हैं, वॉन डी ग्राफ जनरेटर को समझते हैं या टेंडन एक्सिलरेटर को समझते हैं। तो अब इसके लिए हम क्या करें, हमारे पास दो स्पेयर हैं, एक सबसे पहले मैं इनर स्पेयर ले लेता हूँ, ये मेरा इनर स्पेयर हो गया, और इस इनर स्पेयर के ऊपर चार्ज में मान लेता हूँ प्लस क्यू स्मॉल, और ये बाहर वाला मेरा स्पेयर हो गया, ये बाहर वाला स्पेयर हो गया, बाहर वाला, और इसका चार्ज कितना हो गया, प्लस क्यू हो गया। ठीक, ये जो अंदर वाला है इसकी रेडियस हो गई आर वन, और जो बाहर वाला है इसकी रेडियस हो गई आर टू। ठीक है, कितनी रेडियस हो गई, आर टू, और क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो आर वन है वो लेस देन है किससे, आर टू से। इसका मतलब क्या होगा, वन अपॉन आर वन ज़्यादा होगा किससे, वन अपॉन आर टू से। अब हमें इन दोनों स्पेयर के ऊपर किसकी वैल्यू चाहिए, पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए। पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकालें, मान लो यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं ए, और यहाँ पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं बी। तो सबसे पहले ए पॉइंट के ऊपर हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो वी ए निकालने के लिए कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो ये जो चार्ज है ये आउटर जो स्पेयर है, आउटर, और ये वाला कौन सा है, ये इनर है। तो आउटर पर जो चार्ज है, आउटर पर कितना चार्ज है, क्यू, इसकी वजह से पोटेंशियल निकाल लो। तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू अपॉन यहाँ तक की डिस्टेंस, और यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, आर टू। ये एक तरह से क्या हो गया, सरफेस चार्ज की वजह से सरफेस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू हो गई। अब पोटेंशियल किसकी वजह से निकलेगा, इस स्मॉल स्पेयर की वजह से, यानी कि इनर स्पेयर की वजह से। इनर स्पेयर की वजह से निकालोगे तो इनर स्पेस का चार्ज तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू। अब इस ये जो पॉइंट है ए, ये इस इनर स्पेयर के लिए क्या हो गया, बाहर हो गया। तो बाहर हो गया तो ये वाला फंडा हमें यूज़ करना है बाहर वाले पॉइंट के लिए, तो के क्यू अपॉन आर प्राइम आया था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, आर टू। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू हो गई। फिर हमें किस पर निकालना है, बी पॉइंट पर निकालना है। तो बी पॉइंट पर निकालेंगे तो सबसे पहले तो अंदर वाले के लिए, तो अंदर वाले के लिए कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, आर वन। अब ये जो अंदर वाला है, ये अंदर वाला पॉइंट बी है, इस बड़े वाले स्पेयर के लिए किसकी तरह हो गया, ये इस पॉइंट की तरह हो गया, ये वाले पॉइंट की तरह हो गया। और इस पॉइंट पर जब हमने पोटेंशियल की वैल्यू निकाली थी तो वो वैल्यू कितनी आई थी, जो इसकी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल था उतनी वैल्यू आई थी। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर बी, इस बड़े वाले स्पेयर के लिए कैसे काम कर रहा है, ये इसके अंदर है। तो इसके ऊपर इस
बड़े वाले स्फेयर की वजह से पोटेंशियल वही होगी जो कि इसकी किस पर है, सरफेस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू है, और इसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन आर टू। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल वही आएगा बी के ऊपर। तो ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर, ए और बी के ऊपर, किसकी वैल्यू आ गई, पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। अब यदि इनको कनेक्ट कर दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, जैसा कि हमने यहाँ डायग्राम के अंदर किससे कनेक्ट किया हुआ है, मैकेनिकल ब्रश से, मैकेनिकल ब्रश से कनेक्ट किया हो तो इनके चार्ज ट्रांसफ़र होने लगे, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो इसी तरह से यहाँ से यदि इन्हें कनेक्ट कर दिया जाए, तो कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा इसका मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस है, तो अंदर से बाहर की तरफ क्या होगा, चार्ज का डिफरेंस होगा, यानी कि वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी बी यदि आप करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा के क्यू अपॉन आर टू प्लस के क्यू अपॉन आर टू माइनस के क्यू अपॉन आर वन और माइनस के, ये बाहर वाले चार्ज की वजह से कैपिटल क्यू है, के क्यू अपॉन आर टू। ठीक है, तो क्या कट रहा है, यहाँ से देखो क्या क्या कट रहा है, ये कट रहा है, ये और ये कट गया, ये कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बच रहा है के क्यू, ये कॉमन आ गया, कॉमन क्या आ गया हमारे पास, के क्यू कॉमन आ गया, के क्यू कॉमन आ गया, और क्या बच गया, बच हमारे पास गया वन अपॉन, ओह वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन। ठीक है, क्या बच गया, वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन। इस चीज को मैं ट्रांसफॉर्म करके, ट्रांसफॉर्म कर, माइनस कॉमन लेके अगर इस तरह से भी लिख सकता हूँ, वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू के क्यू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, लिख सकते हैं ना ऐसे, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन गया, और ये एक्सप्रेशन जब मेरे पास बना है तो यहाँ से देखो, यहाँ मैंने लिखा हुआ है वन अपॉन आर वन ग्रेटर देन वन अपॉन आर टू, तो इसका मतलब वन अपॉन आर वन में से माइनस वन अपॉन आर टू करूँगा तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, प्लस, इसका मतलब वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन जीरो रहेगी। और अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रहेगी तो इसका मतलब क्या है, वी बी माइनस वी ए, यानी कि बी से ए की तरफ हमेशा क्या होता रहेगा, चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा, क्योंकि इसकी पोटेंशियल में हमेशा डिफरेंस रहेगा, तो ए पर हमेशा क्या होती रहेगी, पोटेंशियल बढ़ती रहेगी। ठीक है, देन तो इसका मतलब इट मीन्स पोटेंशियल एट आउटर स्फीयर, आउटर कंडक्टर इज ऑलवेज इंक्रीज्ड, ये हमेशा बढ़ता रहेगा और चार्ज का इसी तरह से ट्रांसफर होता रहेगा। तो ये होता है वॉन डी ग्राफ जनरेटर। होपफुली ये जो लेक्चर है आप लोगों को समझ में आया हो। इनकेस कोई डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट में लिख के मुझे भेज सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि उसका आपको बेस्ट से बेस्ट रिप्लाई करने का कोशिश करूँ। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।